पाखेई आसुची भव्य एवं दिव्य श्रीराम मंदिर रे रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जानुरी 22 रे अयोध्या को फेरिबे अयोध्यापति एथिपै उत्सव मुखर श्रीरामनगरी आउ एही अवसर रे 11 दिन अनुष्ठान रखिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भव्य श्रीराम मंदिर उद्घाटन पूर्व प्रभु अनुष्ठान आरंभ करिसेंति मोदी। एही अनुष्ठान आरंभ नासिक धाम पंचपटी आरंभ करिसेंति प्रधानमंत्री। एने जारी करिसेंति एक ऑडियो वार्ता रघुपतिंक प्राण प्रतिष्ठार उत्कंठा एवं भावना को शब्दरे वर्णना करिबा कष्टकर। प्राण प्रतिष्ठार साक्षी रहिबार अवसर मिलितबारु भावविहोळ होइतबा कहिसेंति मोदी। अंतर मनरे सृष्टि होइतबा भावना अभिव्यक्ति नुहे बरं अनुभूति करिबार आवश्यकता रहिछि। जेउ स्वप्न को अनेक पीढ़ी वर्ष वर्ष धरि संकल्प भावे निज हृदय रखिथिले एबे तार सिद्धि समय उपस्थित रहिबार सुजोग मिलितबारु खुशी व्यक्त करिछन्ति प्रधानमंत्री। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।